मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। कितने नादान हैं हम, जब दुख आता है तो अटक जाते हैं और जब सुख आता है तो भटक जाते हैं। अजीब फितरत होती है इस इंसान की, इसे अपना दुख भी दर्द देता है और दूसरों का सुख भी दर्द देता है। हम पेड़ बनकर जमाने में छांव बांटते रहे और मेरे अपने ही हर दिन मुझे थोड़ा थोड़ा काटते रहे। इसलिए जिंदगी में कभी खुद को किसी का आदि नहीं होने देना, क्योंकि वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह अपनों को भी रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे बुझा देते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जिंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों, हमारे हर सुख का कारण हमारी असफलता है और हमारी हर असफलता का कारण हमारी सोच है। आपके अंदर दुनिया को जीतने की काबिलियत है अगर आप में खुद को पहचानने की हैसियत है। हाथी सबसे ज्यादा ताकतवर जानवरों में से एक है, लेकिन एक छोटी और कमजोर रस्सी से बंधा रहता है। वो चाहे तो उस रस्सी को कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ता, क्योंकि बचपन से ही वह उस कमजोर और पतली रस्सी से बांधा जाता है और उस समय वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि वह रस्सी को कभी तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए जब वह हाथी बड़ा और शक्तिशाली भी हो जाता है, उसके बावजूद भी अपनी गलत सोच और अपनी गलत धारणा की वजह से वह उस रस्सी को तोड़ने की कभी कोशिश भी नहीं करता। दोस्तों, हमारे साथ भी अक्सर यही होता है। छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी परेशानियां हमें इतना विचलित कर देती हैं कि हम मन में यह धारणा बना लेते हैं कि जब तक ये दुख, ये परेशानियां हमारे जीवन से नहीं जाएंगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम सफल नहीं हो सकते। हम भूल जाते हैं कि परेशानियां सबकी जिंदगी में आती हैं और ये परेशानियां आती ही रहेंगी। अगर हम उदास होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए तो अपना पूरा जीवन और अपना कीमती समय यूं ही सोच सोच कर बर्बाद कर देंगे और अंत में हमारे पास केवल अफसोस और असफलता ही बचेगी। इसलिए जिंदगी में कभी रिस्क लेने से मत डरो, या तो जीत मिलेगी और अगर हार गए तो सीख मिलेगी, क्योंकि जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही सख्त फैसले हमारी जिंदगी बदल देते हैं। कामयाबी पाने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं: सही समय, सही तरीका और सही सोच। जिंदगी में ऐसा होता है, कभी कभी हम सही होते हैं लेकिन खुद को साबित करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। ऐसे वक्त में सब्र से काम लीजिए, क्योंकि आपकी गवाही खुद वक्त देगा। और हमेशा उतना ही झुको जितना सही हो, क्योंकि बेवजह झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर एक बार सच बोलकर तो देखो। चाहे कितने भी मुश्किल हो हालात, तू अपना जमीर जिंदा रख। बन जाए सुल्तान, फिर भी दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकश में हिम्मत का वो तीर जिंदा रख। हार जाए जिंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। और अपनी काबिलियत को इतना बड़ा करो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। दोस्तों, पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर ये समझ में आया कि किसी भी हालात में खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो हमारी क्या औकात है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्यार, ये गम नहीं, ये तो है हथियार जो करते हैं हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार। समझकर समझ जाएगा जो होगा समझदार। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी परेशानियों को हम जिंदगी में बहुत बड़ा समझ लेते हैं, उदास हो जाते हैं और निराशा हमें घेर लेती है। और ये सब उस वक्त पर होता है जब हमें अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत करनी होती है। हमें फोकस करना होता है अपने लक्ष्य की तरफ, लेकिन हमारा ध्यान इन्हीं सब चीजों में पड़ा रहता है। हमारा समय इन सब चीजों में बर्बाद हो जाता है और कई बार तो लोग अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उससे बाहर निकलिए, अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और अगर अभी तक आप किसी ऐसी परेशानी में नहीं फंसे हैं तो आने वाले समय के लिए सावधान रहिए, परेशानियों के जाल आपको फंसा ना पाए। दोस्तों, भावनाओं से पहले अपने लक्ष्य को रखना सीखो। प्यार का पीछा करने वाले एक दिन टूट जाते हैं और लक्ष्य का पीछा करने वाले बहुत कुछ बन जाते हैं। और कभी दिल दुखी हो या मन में गलत ख्याल आए तो हमेशा खुद को ये बात याद दिलाते रहना कि मेरी हर राह को मैं मेहनत से सजा दूंगा,
मेरे हौसले में कितना दम है ये मैं मंजिल को दिखा दूंगा। अपनी गलती का दोष किसी को मत दो, क्योंकि अपनी हर परेशानी की वजह तुम हो और उसका इलाज भी तुम ही हो। किसी ने मुझसे पूछा, किसने बिगाड़ा है तुम्हें? मैंने उंगली उठाई और अपने ऊपर रख दी। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि टूटे हुए ख्वाब का एक हुजूम सा है, फिर भी जिंदगी में एक जुनून सा है। ना हारा हूँ ना हारूंगा कभी मैं जिंदगी में, इसी हौसले में एक सुकून सा है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा वो लम्हा रहा है जब आपने किसी बात या किसी परेशानी को लेकर अपना बहुत सारा समय खराब किया हो, और आज जब आप उस बात को याद करते हैं तो आपको वो परेशानी, वो गम बहुत ही छोटा नजर आता है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी पाना संभव नहीं है, बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।